वे कहाँ जाना चाह रहे हो यार? जहाँ जाना जाओ, धीरे 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 टूंग टूंग के। ये देखो दौरा दौरा पड़ गया। यहाँ के लखनऊ के लोगों की बेसिकली दिक्कत क्या होती है ना, ये लोग बिना इंडिकेटर दे के मोड़ते हैं, है ना। ये लोग धन्य से मोड़ देते हैं तो लोगों का पता नहीं चलता कि भाई साहब लोग मोड़ना किस तरफ चाह रहे हैं। मार ले भाई हॉर्न तेरे आगे आगे, ब्रेक थोड़ी नहीं लगा दूंगा यार। हॉर्न मार रहा है बस वाला कि अरे 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 मेरे सामने मत आओ, सामने मत आओ, सामने। हाँ आ जाओ तुम, आ जाओ सामने। वो बेचारा क्रेटा वाला पीछे मरा जा रहा है ना, कि उसको जाने दो जाने दो जाने दो। इतने ही अगर इन लोगों को ट्रैफिक से बचना होता है, स्कूटी या बाइक चलाए ना, क्या कार लेके टैटे टैटे करते हैं बीच ट्रैफिक में। और हैरानी की बात ये होती है कि कार में भी अकेले चलते हैं, है ना। मतलब सिंगल बंदा कार में चलता है। वो देखो फालतू में हॉर्न मारा पड़ा है, जाओ भाई निकल जाओ। कितनी जगह लेके जाओगे भाई, देख रहे हो ना, एक ही बंदा है पूरे कार में, लेकिन हॉर्न पे हॉर्न। अरे यार गर्मी लग रही है यार आज, आज गर्मी आज ज़्यादा है यहाँ पर। मतलब अभी तक धूप अभी तक नहीं थी, लेकिन जैसे हम जैसे बाहर निकले वैसी धूप आ गई। लग रहा है उसको चलाना वाला ना आता है नहीं गाड़ी, है ना। वो ऐसी फालतू में हॉर्न वॉर्न दिया पड़ा है, नई नई गाड़ी चलाना सीखा है लगता है। कि क्यों भाई, अरे खड़े क्यों हो जा रहे हो, खड़े हो जाओ ना ऑटो। ऑटो वाले तो भाई ये देखो, ये पता नहीं क्या क्या सामान लाद के चल रहा है, अनपढ़ों की तरह चल रहा है भाई, है ना। इसको ये भी नहीं कि अगर सामान अगर गिर जाएगा तो कुछ दिक्कत विक्कत हो जाएगी। मतलब इसके सामान को नहीं, है ना, जो पीछे जो इसके चल रहा है उसको। लेकिन भाई लोग ओवरलोड कर लेते हैं। पीछे पीछे के साइड से एक मतलब एकदम मस्त एकदम जीप एक आ रही है ना। देखो तुम लोग ये देखो भाई, क्या सही लगती है यार एकदम। इसके स्टैंड जो है ना एकदम, अरे एक और वो तो क्लासिक थी, है ना। इसका स्टैंड जो है ना एकदम अपराइट एकदम मस्त लगती है भाई। ये काइंड ऑफ थोड़ी बहुत मॉडिफाइड है, इसमें कुछ कुछ चीज़ें इसमें जो है वो मॉडिफाई करवाई गई है। जैसे वो रूफ रेल है ना, रूफ रेल कहें, रूफ रैक कहें। कितने बड़े टायर है भाई इसके, है पता नहीं भाई, हमें दिख नहीं रहा है, लेकिन 17-18 इंच के इसके एलॉयज होंगे। चलो इट्स टाइम टू पास ऑन टू थार, और थार मुड़ भी गई। बताओ भाई दूसरों के थार हम देख रहे हैं यार, है ना। अगर वो बंदा अगर देखेगा मेरे ब्लॉग तो कहेगा भैया ये क्या है यार, गाड़ियों को ताड़ रहा है बेसिकली। गाड़ी वाड़ी चलाने की तमीज़ होती है नहीं, अरे पता नहीं कैसे कैसे लोग चलते हैं रोड पे। वो अचानक से धाड़ से बटन सारे ब्रेक पकड़ के खींच दिया पीछे, है ना। अरे मेरे सामने भी एक विक्रांत, कौन से कलर की है, काले है, काली वाली है, देख लो रेड एंड ब्लैक विक्रांत। ये भाई ये पहला कम्यूटर हमें लग रहा है कि जो कम्यूट कर रहा है ना इस वाली बाइक पे। ये तो बहुत सारे लोग तो इस वाले बाइक को बस ऐसे ही खरीद के रख चुके हैं। हम जो है वो खतरनाक वाले रास्ते पे आ चुके हैं वापस। भाई एक दिन मैं इस पे आते आते ना एक दिन मैं गिरूंगा, है ना, वो पक्का गिरूंगा भाई। इतना डेंजरस रोड है ये वाली, है ना। लेकिन अब क्या करें, यहाँ पर आने का और कोई रास्ता ही नहीं है। ये यहाँ पर तो ऐसा लगता है भाई, यहाँ पर बाढ़ वाड़ यहाँ पर आई हुई है, है ना। देखो इतने तरफ की रेलिंग जो है वो गायब है ना। मतलब किसी को भी छलांग लगाना है भाई, मतलब छलांग लगा सकता है भाई। अरे यार कितना एक तो गंदा पानी है यहाँ का। और ये बाय द वे गोमती रिवर है गाइस, है ना। लखनऊ के बीच से एक रिवर एक जाती है ना, गोमती रिवर, ये वही है। ये अगर साफ़ पानी होता तब तो बात ही अलग होती, लेकिन ऐसा है ही नहीं, क्योंकि नाले से पानी आता है। वो सामने जो होल देख रहे हो नाला है। अरे ये क्या, ये स्विगी का ये जो झोला है पीछे वाला, ये गिरा पड़ा है भाई। तुम्हारा खाना गिर जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। चलो लग रहा है वो बंधा हुआ था उसके पेट से। अच्छा यहाँ से ना मैं जब भी मैं निकलता हूँ तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा मैं थक के निकला हूँ यार, है ना। लगता है कि यार बहुत ज़्यादा थकावट हो गई है, और फिर कुछ करने वरने का मन वन नहीं करता है ना, बाइक वाइक चलाने का भी मन नहीं करता है। फिर सोचते हैं यार फिर घर भी जाना है। तो मोटिवेशन तब यही मिलती है कि भाई घर जाना है यार, है ना। अगर घर अगर नहीं जाएंगे तो दिक्कत। अच्छा इस वाली रोड पे ना बहुत सारे लोग जो है वो बेसिकली जाते हैं मजबूरी में, क्योंकि उनको जाना रहता है कैसरबाग, तो मजबूरी में बेसिकली जाते हैं। नहीं तो इस वाली रोड से कोई जाना पसंद नहीं करता है, है ना। इस वाली रोड से या तो वकील लोग जाएंगे, नहीं तो पुलिस वुलिस वाले जाएंगे, नहीं तो वो लोग जाएंगे एम्बुलेंस वाले जाएंगे, है ना। डॉक्टर, वकील या फिर पुलिस, है ना, बस यही लोग बस जाते हैं यहाँ से। नहीं तो नॉर्मल पब्लिक बेसिकली यहाँ से नहीं जाना पसंद करती है, है ना। काफ़ी लोग झिझकते हैं यहाँ से जाने में, बहुत सारे लोगों को डर लगता है। अब डर अब क्यों लगता है वो मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता चुका हूँ, मैं रिपीट नहीं करूँगा ना। बेसिकली वहाँ पर लोगों की डेड बॉडीज़ जो है वो जाती है, है ना। चलो कर दिया भाई रिपीट। तभी ये देख रहे हो ना यहाँ पे इतनी तेज़ गर्मी है कि क्या बताएं भाई। और इतने सारे लोग सब सिग्नल तोड़ के जा रहे हैं भाई,
किसी को कोई परवाह ही नहीं है सिग्नल की। अब यहाँ पर तो भाई अब ऐसे ही होता है, लोग सिग्नल तोड़ ही देते हैं। तो मैं इसी वजह से यार इतना, एक तो धूप ऊप होता है ना इस वाले रोड पे, मैं शाम को या रात में मैं आना में ज्यादा सही लगती है। क्या भाई इतने सारे ई रिक्शे का चलान वालान कटा है क्या है, इतने सब खड़े कैसे हैं यहाँ पर? एक ई रिक्शा में तो एक कुछ सामान भी रखा हुआ था। तो चलो गाइस, पॉलिटेक्निक चौराहा जो है वो आ चुका है ना, मतलब मेरा घर आ चुका है। तो मैं भी क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने घर पे और आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही ख़त्म। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतने। अगर ये वाली वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो नीचे जो लाइक और सब्सक्राइब का जो बटन है उसका दबा देना, और अगर कोई भी अगर सुझाव हो तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ उस पर जाके लिख देना। तो चलो गाइस आज के लिए बस इतने, आज के इस ब्लॉग को करता हूँ यहीं पर ही खत्म और मैं आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले ब्लॉग में, मतलब कल। तो चलो गाइस बाय बाय, सी यू सून, सी यू टुमारो। हमें खाना महक रहा है पता नहीं कहाँ से यार। चलो गाइस बाय बाय। तो यार खोल दो सिग्नल यार, एक तो धूप हो रही है इतनी तगड़ी, ऊपर से सिग्नल।